नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने हिसार पुलिस मंडल को ड्रग और हिंसा से मुक्त करने के लिए स्थायी और संपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हिसार पुलिस रेंज के 25 गांव गोद लिए गए। इन गांवों को ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त बनाया जाएगा। ड्रग तस्करी पर अंकुश के साथ डिमांड खत्म करने पर काम किया जाएगा। इसमें आईजी स्वयं अभियान की मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। उन्होंने एएनसी प्रभारी और नोडल अधिकारियों से बैठक कर कार्यशैली एवं प्रगति की समीक्षा भी की। आईजी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ा संसाधन है, इसी के बल पर अभियान को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल के हर जिले में ड्रग एवं हिंसा से प्रभावित 5-5 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों को उक्त अभिशाप से मुक्त करने के लिए 56 सदस्यों की विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस टीम में संवेदी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ महिला पुलिस को भी शामिल किया गया है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अभी तक पुलिस विभाग का मेन जो प्रयास होता था या जो एफर्ट्स होते थे वो डिमांड साइट को कंट्रोल करने के लिए नहीं होते थे, वो सप्लाई साइट को चेक करने के लिए होते थे। उसमें हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है या इंफॉर्मेशन आती थी कि ये लोग ड्रग के जो काम है, सप्लाई है, उससे जुड़े हुए हैं, ये खरीदते हैं, बेचते हैं, उस तरह से इन्होंने नेटवर्क बना रखा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती रही है, आगे भी वो कार्रवाई चलेगी। लेकिन इसमें इस प्रयास को और अधिक सफल बनाने के लिए और अधिक इसको इफेक्टिव बनाने के लिए पुलिस ने ये, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इसमें डिमांड साइड जो इसकी है इस पर भी हम प्रहार करें, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और जो युवा आज नशे की तरफ जा रहा है या जिसके नशे में फंसने की संभावना है, उनको समय रहते हुए अवेयर करा करके उनको हम लोग इस नशे की बुराई से दूर रखें और अपने समाज को इस बुराई से बचाएं। क्योंकि जिले वाइज हमने, जैसे हिसार रेंज में 5 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमने सबसे पहले 5 गांव हर जिले के आइडेंटिफाई किए हैं, तो 25 गांवों से हम ये शुरुआत करेंगे। हमने उन गांवों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम, ड्रग और वायलेंस की प्रॉब्लम है, और वहाँ पर हमने हमारे पुलिस के जो साथी हैं जो इस काम के लिए इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको सबसे पहले लिया है। उनको रिसोर्स पर्सन की तरह यूज़ किया जाएगा। उनको अंकुश फाउंडेशन के साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और वो गांव-गांव में जा कर के बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वहाँ पे नशे का या जो वायलेंस है उसकी किस तरह से यूथ उसमें फंसा हुआ है, कितने लोग हैं और किस स्तर पर वो बुराई है, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे एक्सरपंचेज हैं, बाकी मौजूद लोग हैं, उनको साथ में जोड़ करके न केवल उनको अवेयर किया जाएगा इस बुराई से कि किस तरह से नशे की बुराई फैलती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, बल्कि उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो युवा उसमें जा चुके हैं या अभी इस बुराई से जुड़ गए हैं, उनको भी उससे बाहर निकालने का, लेकर के आने का प्रयास किया जाएगा। उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाएगा। उनको सरकार की जो स्कीम चल रही हैं जो रोज़गार की, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। तो उनको बेसिकली पॉजिटिव एक्टिविटीज से जोड़ करके उनको नशे से और हिंसा से दूर किया जाएगा, और इस तरह का प्रयास एक गांव में से पूरा हो गया, गांव को नशा मुक्त और ड्रग मुक्त करके फिर हम उसको ये डिक्लेयर करेंगे कि ये गाँव अब ड्रग्स से और वायलेंस से मुक्त हो गया है, फिर हम और आगे फिर गाँव इस तरह से टेकअप करते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।